अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, अपने हिज़्ज़ो आमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। गोनी खन मार्केट आई हूँ मैं। तो पिछले वीडियो मैंने बनाया था समर्स में गोनी खन मार्केट का, जिसपे आपने बहुत सारा प्यार दिखाया है, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो यहाँ पे फर्स्टली मैं आई हूँ बैग देखने, क्योंकि कॉलेज वगैरह के लिए मेरे पास बैग नहीं था। तो लेट स्टार्ट, जिसमें मगर मुझे लैपटॉप आना चाहिए, तो उस टाइप का मैं बैग देखूंगी। बड़ा ही इसमें पहुंचेगा अब लोग इसमें तो ज़्यादातर वॉइस ओवर नहीं करते इसी वीडियो में, और इसकी रियल आवाज़ ही रखते हैं इसमें। तो लेट्स एक्सप्लोर। तो मैं भी एक्सप्लोर करती हूँ, आप भी करिए। तो देखते हैं क्या है विंटर्स। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे स्टॉल्स हैं, मोटे मोटे स्टॉल्स आए विंटर्स ऑटम्स के लिए, कैप शॉल्स वगैरह आए हैं। और यहाँ पे आप देखिए इनका क्या प्राइस है। इनकी भी 500 जी। अल्लाह की बातें अल्लाह ही जाने। आगे दुनिया में बशर काम करना है जो कर। इसमें साइज है, इनका क्या प्राइस है। इसका क्या प्राइस है। 100 रुपये। और जो जो मैंने लिया फिर लास्ट में, तो वो मैं आपको एक अलग से हॉल वीडियो में सारा कुछ दिखा दूंगी, और विद प्राइस वाइज उन्हीं का मैं उसी वीडियो में बता दूंगी। पर्टिकुलरली इस रेड कलर का क्या है। तो यहाँ पे देख रही थी मैं फेरन, तो बट फेरन तो नहीं लिया, बस अबया लेना था कज़न के लिए, तो वो देखते हैं वॉर्म सा, तो थोड़ा वॉर्म अबया देखना था जो कि विंटर्स में चल जाए उसको। तो यहाँ पे हम आए थे इनकी शॉप पे। इनकी शॉप पे बहुत अच्छे अबयाज होते हैं और बहुत सारा कलेक्शन होता है, ऑलमोस्ट हर किसी टाइप का अबया आपको यहाँ पर मिल जाता है, और साइज़ वगैरह ये यहीं पर ऑल्ट्रेशन करके देते हैं। और चेक वाले अबयाज भी थे इनके पास, हर कोई किस्म के अबयाज थे, और थोड़ा सा कॉस्टली रहता है तो बट सही है, क्वालिटी भी इनकी सही रहती है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नाइट सूट्स थे, ये फर वाले नाइट सूट्स बहुत अच्छा थे, और नाइट पजामाज भी थे। यहाँ पे आप देखिए ये बहुत सॉफ्ट थे, मतलब विंटर्स में ये घर पे तो लग ही जाता है। और तो चलते आगे, आप देखते आगे क्या है। यहाँ पे मुझे ये कोट दिखा था, ये बड़ा अच्छा लग रहा था, तो ये मगर एक्सेल था, तो इस वजह से मुझे ये साइज़ नहीं लगेगा। बट इनके पास और कोई साइज़ भी नहीं था इसमें अवेलेबल, बस लास्ट पीस था इनका 3200 रुपीज़ ये बोल रहे थे, और बोल रहे थे डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो इनके पास जैकेट्स वगैरह भी थे। ये कितने का हो जाता है सूट वाला, वेलवेट का? ये 1000 में। इनका क्या प्राइस है। 100 लेडीज़ की ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट मार्केट रहती है, यहाँ तक कि संडे मार्केट से भी ज़्यादा चीपेस्ट मार्केट रहती है, जो कि हर दिन ओपन होती है। संडे मार्केट तो एक दिन लगता है, यहाँ पे तो आपको हर दिन चीपेस्ट रेट में देखने को मिलेंगी चीज़ें।
तो और एज कम्पेयर टू दिल्ली जम्मू चंडीगढ़ उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीपेस्ट मार्केट्स की क्वालिटी साफ़ होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो बाहर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल रही है। ये 500 की है। कौन सा? और आपको यहाँ पे कश्मीरी फेरेंस भी मिल जाएंगे, तिल्ले वाले, आरिकाम वाले, लेसेस वगैरह वाले भी, और इनका भी बहुत जेन्युइन प्राइस रहता है। आप देखिए ये तो 500 है, ये आरिकाम वाले फेरेंस। इनका क्या प्राइस है? बस यहाँ पे मैं आपको एक ही टिप दे सकती हूँ कि आप पहले तो अच्छे से एक्सप्लोर करो, देखो अच्छे से, जल्दबाजी में कुछ नहीं लो, क्योंकि आपको आगे जाके रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मैंने वहाँ से लिया तो यहाँ से मुझे इससे भी अच्छा सस्ता मिल रहा था, इसलिए पहले आप एक बार अच्छे से एक्सप्लोर करके इस मार्केट से फिर चीज़ें लीजिए। और बाकी तो यहाँ पे आप देखिए तो स्टॉल्स भी अच्छे थे। इस मार्केट का इस साइड से एंड जो कि एलडी साइड है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी हर किस्म की चीज़ें गर्ल्स वगैरह की। तो जहाँ पे आपको लगेगा यहाँ से थोड़ा सा कॉस्टली है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद कुछ सही रेट में भी मिल जाएगा। और इसके बाद लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम कुछ यहाँ पे खाएंगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोलूँगी इस बात। ये यहाँ पे न्यू रेस्टोरेंट खुला है, आप पता नहीं कब खुला है, मैं बहुत टाइम के बाद गनखन आई तो हमने रिसेंटली देखा यहाँ पे रेस्टोरेंट खुला है, जो कि जहलिम साइड से भी इनका बहुत अच्छा सा व्यू आता है। समर्स में तो वहाँ से बहुत ही मज़ा आएगा, बट अभी विंटर चल रहे थे तो हम अंदर बैठ गए थे। हमने किया था फ्राइड राइस ऑर्डर, जो कि हमने 2 पर्सन के लिए ऑर्डर किया था, तो बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी थी और क्वांटिटी भी ठीक ठाक थी। तो यहाँ पे हम करेंगे फ्राइड राइस को इंजॉय। एक चीज़ थी, हॉट डॉट था तो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे बाहर भी बहुत सारे लोग बैठे थे, क्योंकि जहले के साइड से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, मगर अभी ठंड है तो इस वजह से हम बाहर नहीं बैठे। मैंने आपको दिखाया था कौन सा साइड है, यहाँ पर हम अंदर बैठे हुए। समर्स में वहाँ से बहुत अच्छा इंजॉय आएगा। और ये बहुत ही क्राउडेड मार्केट है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है। तो इसके बाद हमने किया फ्राइड राइस को ट्राई, बहुत अच्छा टेस्ट था और क्वांटिटी भी सही थी। हम 2 पर्सन थे, बस हमने यहाँ पे इतना ही ऑर्डर किया और इसके बाद हम निकल गए थे यहाँ से। और हम अब जा रहे थे वापस, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे कर रहे अब ये ब्लॉग नेक्स्ट डेसिस में स्टार्ट, क्योंकि थक भी गए थे और फिर घर चले गए थे। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे बज रहे थे दिन के ऑलमोस्ट 12 बज गए थे और हम जा रहे थे लतपुर साइड से। तो आप देखिए हर साइड से अब ऑटम स्टार्ट हो गया है, मतलब ग्रीनरी टोटली ख़त्म हो रही है। और हमें जाना था अमृतसर हवेली, तो इनके पास अच्छा ऑथेंटिक पंजाबी फूड मिलता है। तो ऑलमोस्ट मुझे वैसा टेस्ट तो श्रीनगर में कहीं नहीं लग रहा था पंजाबी फूड का। और यहाँ पे ये टेरी कितना प्यारा है, मुझे कितना अच्छा लगता है ये। तो ये देखिए वेलकम कर रहा है यहाँ पे। और फर्स्ट फ्लोर पे इनके आपको मिलेगा केसर वगैरह और सेकंड फ्लोर पे इनके है रेस्टोरेंट। तो लेट्स गो। और आप में से यहाँ पे कौन कौन आया मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोलिएगा। और आपको कहाँ का पंजाबी ऑथेंटिक फूड अच्छा लगता है ये भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। तो लेट्स गो, अंदर जाते हैं पहले हम। तो यहाँ से इसका कुछ ऐसा व्यू आ रहा है
और यहाँ पे आपको अच्छे से अपनी गाड़ी वाड़ी पार्क करने के लिए मिल जाएगा पार्किंग एरिया। और ये रहा रेस्टोरेंट, यहाँ का कुछ अंदर का ऐसा सीन है। और पहले ही हमें यहाँ पे मेन्यू मिलता है। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे मंगवाए क्या, तो इन्होंने मुझे रिकमेंड किया आप हमारी अमृतसर स्पेशल थाली ट्राई करो। तो हम दो पर्सन्स थे तो हमने दो पर्सन्स के हिसाब से वो मंगवाई। तो लेट्स सी, मुझे इनका बड़ा अच्छा लगा डेक्योर, नीट एंड क्लीन रेस्टोरेंट था। और बहुत यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, मैंने जितना देखा है यहाँ पे बहुत अच्छा रिव्यू आता है इनको। और यहाँ पे हमारी प्लेट आ गई थी, और ये लोग कॉपर्स की प्लेट्स में सर्व करते हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आपको यहाँ पे सारा कुछ कॉपर का ही देखने को मिलेगा। और ये रहा हमने जो ऑर्डर किया था, इसमें एक दाल, एक चना, स्वीट डिश वगैरह दो आई थी, और ये ना नॉन वगैरह, और लस्सी आई थी जो कि ऑथेंटिक पंजाबी टाइप की लस्सी थी। तो आपसे मिलते हैं अब लंच करके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसा क्या टेस्ट रहा। लंच कर लिया मज़ेदार। और यहाँ पे मैं करूँगी आप गुलाब जामुन को ट्राई, जो कि बड़ा ही सॉफ्ट लग रहा था मुझे। इनमें इन्होंने आई थिंक खोया डाली थी, इस वजह से ज़्यादा ही कुछ स्वीट था। करते हैं अब इसको ट्राई, तो बड़ा अच्छा था, मैंने खा लिया। और यहाँ पे पी रहे हम अब इनकी लस्सी। और यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप बहुत सारे पर्सन यहाँ पे बहुत अच्छा है, और स्टाफ भी इनका बहुत ज़्यादा अच्छा था, कोऑपरेटिव था। और आज मौसम कुछ सही नहीं था, आप देख सकते हो क्लाउड्स बहुत ज़्यादा थे। और हम यहाँ पे जलगोजे ले रहे थे। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। Till then, take care. Allah Hafiz. Thank you. Thank you.